अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाशिर अली, आप देख रहे हैं हाशिर ब्लॉग। तो भाई यार मैं अभी आया था छत पे और ये देखिए मेरी मुर्गी। ये वाली मुर्गी भी ठीक है, अभी मैंने उनको खाना वाना डाला है, पालक वगैरह डाली। ये इन लोगों को तो अभी मैं बंद किया हुआ क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है। तो भाई आज इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स की एपिसोड 2 है, तो उसी के बारे में आज मैं प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगा। और आपने लाजमी देखनी है मेरा एपिसोड और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। तो अभी चलते हैं नीचे भाई, तो को भी सबको दाना डाल दिया था मैंने। इनको मैं ढक के रखता हूँ क्योंकि पत्नी क्यों अंडे तोड़ देती हैं ये, तो इसलिए मैं इनको ढक के रखता हूँ। और ये रहे कॉकटेल्स। तो भाई आज मैं आप लोगों को सोचता हूँ कौन से प्लांट के बारे में बताऊँ, इसके बारे में बताता हूँ जो मैंने बड़ी मेहनत से लगाया था। पूरी स्टोरी बताऊँगा आपको इसके बारे में कि किस तरह लगाया था मैंने। तो भाई ये रहे पौधा। तो भाई इस पौधे का नाम है मॉस रोज। ये अर्जेंटीना, साउथर्न ब्राज़ील और यूरुग्वे का नेशनल पौधा, मतलब वो कॉमन है, इसको लोग घर में रखते हैं। इसके और भी कलर्स होते हैं, मेरे पास पिंक कलर में है ये पौधा, इसके वाइट येलो ब्लू कलर्स होते हैं और इसमें इस तरह के फूल निकलते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो भाई ये पौधे की स्टोरी ये है कि ये मैं कहीं से तोड़ के लाया था, एक बार्बर की शॉप थी, मैं वहाँ से इतना सा तोड़ के लाया था, ये इतना सा, यहाँ से इतना सा तोड़ के लाया था मैं। और ये अब इतना बड़ा, फिर उतना बड़ा हो गया, तो इसलिए मुझे इसको इससे अलग करना पड़ा। इसको कमरे में भी लग सकते हैं, रूम वगैरह में, ये रूम टेम्परेचर पे रह लेता है। इसको मॉस रोज़ कहते हैं और बहुत सारे नाम हैं इसके, जगह जब से 11 o'clock भी कहते हैं इसको, पता नहीं पौधों के टाइम पर नाम क्यों रखे मैं। खैर इस पौधे का नाम मॉस रोज़ है। तो भाई बाकी का अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, अभी मुर्गियों वगैरह चलते खोलते हैं, अभी फिर आपसे मिल। तो भाई आ गए वापस छत पे, अभी जल्दी से मुर्गियों वगैरह को खोलते हैं। ये आ गई हमारी असील। ये है फिलहाल ही ये टेम्परेरी, ये सेटअप जो मैंने ऐसे बंद किया हुआ है, इसको भी खोल दो। और ये तो ऊपर चढ़ गई। ये इसको मारेगी, चलो लड़ाई करो। पड़े लड़के ले। तो भाई यार ये देसी है, इसने अंडा नहीं दिया शायद अभी तक, देखता हूँ मैं, कोई भी अंडा नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं दे रही, जगह शिफ्ट की थी ना इसलिए, वरना पहला एक अंडा दिया था इसने, वो मैंने डंडा मार के तोड़ा नहीं, मतलब टूट गया था गलती से। ये टेम्परेरी सेटअप जो कह रहा था मैं ये है, फिर हम इंशाल्लाह ये जो नीचे रखा हुआ ना शेड टाइप रखा हुआ है उसको बनाएंगे फिर। खैर मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी हुई थी परसों। चुलबुला भी आ गया हमारा, बहुत भागता है ये, छोड़ो ज़रा इसको यहाँ पर। मुर्गी डरती भी है, इसको मारती भी है, मारे अरे मारी मारे मारे ओए इधर आ। बस को जाने दो, चलो 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 ओए इधर। एक तो ये नीचे चली जाती है, पूरे नीचे पौधे खराब कर देती है, गंदगी कर देती है पूरे में, और ये ऊपर मुर्गी से भी डरती है। वो ये है हमारी पूरी छत। अभी तो फिलहाल कुछ भी नया नहीं है, बस वही पौधों के बारे में जो बता रहा हूँ मैं आपको। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक कोई नई न्यूज़ मिल जाए आपको शायद, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक निकल जाते हैं कुछ ना कुछ करके, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता।
और ना मोबाइल बाहर ले जा सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना मोबाइल नहीं है बाबा का। तो भाई ये था आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। और मुर्गियाँ बहुत अच्छी हैं मेरी, बहुत जल्द मैं नई मुर्गियाँ लाऊँगा। और इसको हमें एक बैड न्यूज़ है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। तो भाई ये था आपका हमारा आज का व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।